कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा, कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र, कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया, जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना। कितने बेलपत्र, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, एक, कितना शमी पत्र, एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र, कभी स्मरण में लाइएगा। बस ये जो कार्तिक महीने में, दामोदर मास में आप एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र, अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए, चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको, सिंह ये जलाधारी, ये बीच में से जो दो लाइन गई, गणेश कार्तिके, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा गया। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की पांच बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पांच बेटी, शंकर भगवान की छठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र एक, शमी पत्र तीन, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। शंभु शरणे मां घड़ी रे दुख काटो दया करने दर्शन। आप दिल से उससे प्रार्थना करोगे तो वो दिल से दे दे। महाराज ईमान और जुबान दो चीजें व्यक्ति की पक्की होना चाहिए। क्या क्या बोलो, जम के बोलो, ईमान और दूसरी जुबान पक्की हो। आप दिल से
आप बाबा का भजन कर देखो, आप दिल से बाबा का स्मरण कर देखो। एक पत्र आया है, चंद्रमुखी शर्मा, पता है राया मथुरा कहीं बैठी है, हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, आपकी हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हाँ हिलाइए दोनों हाथ, ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। चंद्रमुखी शर्मा राया मथुरा से रहने वाली हूँ गुरुजी, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरी बेटी मुस्कान कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रही थी कि सरकारी नौकरी मिले, पर नहीं मिली। आखिरी में हताश होकर वो मंदिर जाना भी छोड़ी, भगवान का भजन करना भी छोड़ी। तब एक बार टीवी पर हमने कथा सुनी और कथा सुनकर हमारी बेटी से कहा कि देख वो महाराज सीओर वाला कहता है कि शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। मां हम ब्रज की रज में रहते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, शिव को जल चढ़ाने का बाबा कह रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण जब तक नहीं मिलते जब तक शंकर की भक्ति ना हो, और शंकर जब तक नहीं मिलते जब तक कृष्ण की भक्ति ना हो, ये दोनों का मिलना सरल नहीं है। मैंने कहा जब टीवी पर बाबा कह रहे हैं, सीओर वाला महाराज कह रहे हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो जड़ा चढ़ाने में जाता क्या है। मां 7 वर्ष से नौकरी की तैयारी कर रही हूं पर नहीं मिली, तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, पर तुम कहती हो तो मैं शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। शिव जी को जल चढ़ाना चालू करा मेरी बेटी मुस्कान शर्मा ने, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव मेरी बेटी ने एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से उसका इंडियन नेवी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है भक्ति, ओ घड़ी है शंभू, बैठिए बहन, हर हर महादेव। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विचार जब दृढ़ी नहीं होगा तब तक भगवान कैसे मिलेगा। दड़ी बनकर बैठोगे भगवान शंकर की आराधना, दड़ी बनकर करोगे, ईमान और जुबान पक्की रखकर आप शिव की अगर आराधना करोगे, तो अगर कथा मिल सकती है तो क्या मेरा महादेव नहीं मिल सकता, क्या मेरा शिव नहीं मिलेगा, अवश्य प्राप्त। ब्रज की रज में लोग आते हैं तो पेड़ों में कान लगाकर सुनते हैं राधा का नाम मिल रहा है, ब्रज की रज में लोग आते हैं तो वृक्षों के कान लगाकर सुनते हैं कि बंसी की धुन मिल रही है। हम कहते हैं इतने खो जाओ परमात्मा में, इतने खो जाओ परमात्मा में, इतने डूब जाओ भगवान में कि तुम्हें वृक्ष में कान लगाने की जरूरत ना पड़े। मेरा कृष्ण कन्हैया तुम जब चलो तो तुम में कान लगाकर तुम्हारे नजदीक में आकर खड़ा हो जाए, तो समझना कि ब्रज की रज में आना हमारा सार्थक हुआ। हमारा ब्रज की रज में आना सार्थक हुआ तब समझिए आप। आप सब लोग ब्रज की रज में रहते हो,
मीरा भगवान कृष्ण के पास जाती थी कि भगवान कृष्ण मीराबाई के यहाँ आते थे? बोलो जरा उत्तर दो, जम के बोलो जरा।